हेलो स्टूडेंट वेलकम टू श्री एकेडमी हेलो गाइस कैसे हो आप सभी अश्वनी अनु अंजू निधि धर्म सिंह प्रवीण सरिता नीतू गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू वेरी गुड इवनिंग हेलो तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है केएन एन दारू वाला है इसको करेंगे हम आज तो गाइस शुरू करते हैं थोड़ा सा लेट भी हो गई हमारी क्लास आज तो चलिए के एन दारूवाला को करेंगे सबसे पहले जो है दारूवा बायोग्राफी है इनकी बायोग्राफी है थोड़ा सा है सात बजे से आज जो है दो चार पाँच मिनट ऊपर हो गए हैं चलिए गाइस के की नसीर वान जी दारूवाला वॉज बोर्न इन लाहौर इन जनवरी ट्वेंटी फोर नाइनटीन थर्टी सेवन ये जो है पार्टीशन से पहले यानी पार्टीशन से पहले जो है जब इंडिया और पाकिस्तान एक थे तो उस टाइम पे जो है ये लाहौर जो आज पाकिस्तान के अंदर आता है तो वहाँ पे जो है इनका जन्म हुआ था 1937 के अंदर हिज़ फादर एन सी दारूवाला वॉज़ प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और इनके जो फादर थे गोर्नमेंट कॉलेज में थे और जो है बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया हिज फैमिली लेफ्ट अनडिवाइडेड इंडिया इन नाइनटीन फोटी फाइव गाइज पहले मैं थोड़ा सा इनके बारे में मोटा मोटा बता दूँ और वैसे तो आप सबको पता है कि ये जो है बाई प्रोफेशन एक आई पी एस ऑफिसर थे ये और जैसा लिखा भी हुआ है कि ये जो है पहले और इनके थीम वगैरह के मोटा तौर पर बता देते हैं ताकि इसको चीज़ों को समझने में आपके लिए ईजी रहे और खास कोई ज़्यादा जो है मतलब इनके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इनकी बायोग्राफी में से ज़्यादा पूछे जाते हैं इनके वर्क का थीम वगैरह पूछा जाता तो इतना काफ़ी है इस राइटर के लिए तो इनका जन्म जो है जैसा लिखा हुआ है कि लाहौर के अंदर हुआ था और इनके फादर जो है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो है प्रोफेसर थे और ये जो है पार्टीशन से पहले ही चूनागढ़ रियासत थी जो हमारे यहाँ उसमें आ गए थे शायद इनको कहीं ना कहीं अंदाज़ा होगा कि पार्टीशन होने वाला है जैसे क्योंकि मुस्लिम लीग की जो है बार बार मांग उठ रही थी कि पार्टीशन होना चाहिए नमस्ते बबली चौहान नमस्ते तो इसलिए जो है ये पहले चुनागढ़ में आए और जो है फिर पार्टीशन हो गया और पार्टीशन के बाद जो है ये जो है फिर इंडिया में जिसको कहते हैं क्योंकि चुनागढ़ रियासत उस टाइम पे बिल्कुल अलग थी तो ये जो है इंडिया क्योंकि चुनागढ़ को जो है बाद में मिलाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो ये इंडिया के किसी रामपुर नामक जगह पे आए और वहाँ रहने लगे फिर बाद में इन्होंने जो है अपना आईपीएस की तैयारी की इनकी स्कूलिंग अच्छी थी इनके फादर जो है प्रोफेसर थे तो ये जो है आई लगते हैं और जो है इन्होंने इनका जो थीम रहा है वैसे तो बायोग्राफी में हम सब ये जो लिखा है उसको पढ़ेंगे अगर हम इनके वर्क का जो थीम करें तो जैसे क्योंकि इनका जो है प्रोफेशन जो है आई था तो एक तो जो है इनकी एक पुलिस का जो रोल होता है यानी पुलिस का जो है जैसे इन्होंने दोनों साइड दिखाई है पुलिस की कि भई से पुलिस है वो जो है वो कैसे लोगों का टॉर्चर भी कर देती है कई बार और पुलिस के ऊपर क्या क्या कंपल्शन होते हैं तो इनकी पोइट्री के अंदर ये ज़्यादा दिखाई देता है यानी एक तो इन्होंने अपने प्रोफेशन को ही यूज़ किया है अपनी पोइट्री के अंदर वोलेंस को दिखाया है कि कई बार वो मजबूरी में होते हैं कई बार उनको चीज़ों को हैंडल करना होता है तो वो जो है वोलेंस का यूज़ करते हैं पुलिस वाले तो ये थीम है वोलेंस के ऊपर है और थोड़ा सा जो है दूसरी चीज़ों से रिलेटेड भी है रूरल लैंडस्केप है उसके बारे में ज़्यादा बात की है क्योंकि ये जो है गाइज ज़्यादातर जो है इनकी पोस्टिंग होती रही रूरल एरिया के अंदर तो ये जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ वहाँ से इनको एक्सपीरियंस मिलते रहे और वहाँ उनके बारे में ये लिखते रहे हैं तो गाइज स्टार्ट करते हैं अब तो ये लिखा कि इनका जन्म जो है ट्वेंटी फोर में हुआ और इनके फादर जो है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो है प्रोफेसर थे बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया हिज फैमिली लेफ्ट अनडिवाइडेड इंडिया इन 1945 और पार्टीशन से पहले ही इनकी फैमिली ने जो है अनडिवाइडेड यानी जब तक वो बटा नहीं था इंडिया 1945 के अंदर ही वो जो है जगह छोड़ दी एंड मूव टू जूनागढ़ अ देसी रियासत और ये जो है जूनागढ़ जो देसी रियासत थी उसके अंदर आ गए ही देन केम बैक टू इंडिया इन रामपुर और बाद में जो है मतलब पार्टीशन हो गया और ये जो है इंडिया के अंदर ये इंडिया इसलिए बोल रहे हैं गाइस चूनागढ़ जो है उस टाइम पे एक सेपरेट थी और बाद में सरदार पटेल ने उनको जो है शामिल किया था इंडिया के अंदर तो रामपुर में बाद में ये आ गए सो ही लर्न मैनी लैंग्वेजेस एज ही ग्रू अप स्टडिंग इन इन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ द कंट्री एंड इन वेरियस लैंग्वेज तो क्योंकि इनका जो है <coughs> इस तरह से कई जगह आना जाना रहा यानी पहले लाहौर में रहे फिर चूना जुना, जूनागढ़ में आए फिर जो है रामपुर में आए तो इन्होंने इनको जो है डिफरेंट डिफरेंट इनके स्कूल बदलते रहे और इनको जो है इन्होंने कई लैंग्वेज सीखी और मतलब कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जाते रहे आफ्टर टेकिंग हिज मास्टर डिग्री इन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी यानी पी यू से इन्होंने जो है मे इंग्लिश किया लिटरेचर के अंदर ही जॉइंड द इंडियन पुलिस सर्विस और इन्होंने जो है आई पी एस का एग्जाम दिया यानी आई जिसको कहते हैं और ये जो है एज ए आई पुलिस में जो है सेलेक्ट हो गए लेटर ही बिकेम स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन द इंटरनेशनल अफेयर और बाद में जो है ये अपने स्पेशल असिस्टेंट uh, के रूप में प्राइम मिनिस्टर यानी पी ऑफिस में इनकी पोस्टिंग हुई जिसको कहते हैं डेपुटेशन पे जाना तो इनको जो है डेपूटेशन पे भेजा गया इंटरनेशनल अफेयर के लिए पीएमओ ऑफिस में Subsequently he was in the Cabinet Secretariat until his retirement. और वो जो है Cabinet Secretariat के रूप में जो है उन्होंने काम किया जब तक उनकी retirement नहीं हो गई यानी ये कह सकते हो आप इनकी जो है जो post है वो अच्छी जगह पर रही है एक आई पी एस लगना और जो है आपको पता है कि पी ओम जो पी ओम ऑफिस होता है उसमें बड़े चुनिंदा लोग ही जाते हैं और जो है टैलेंटेड कह लीजिए और भी दूसरे तरीके से तो ये जो है वहाँ तक गए पीएम ऑफिस में रहे और मतलब एक अच्छी पोस्ट पे रहे ये कह सकते हैं वाइल ही वो सर्विंग इन द इंडियन पुलिस सर्विस मतलब जो वो इंडियन पुलिस सर्विस को में थे ही लर्न द राइटिंग क्राफ्ट तब उन्होंने जो है लिखना सीखा ये कह सकते हैं राइटिंग का शौक उनको हुआ मोर ओवर हिज वर्क एज अ पुलिस ऑफिसर प्रोवाइडेड हिम ए वेरियस अपॉर्चुनिटी टू एनकाउंटर द हार्श रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड ये कह रहा है कि क्योंकि उनका राइटिंग में रुझान था तो जो है ये कह रहे हैं कि उनका जो वर्क भी ऐसा था क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर थे तो उनको जो है ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलती रही कि जो हार्श रियलिटी में कैसे वो सामना करते हैं और वर्ल्ड की जैसे हार्श रियलिटी क्या है कि कहीं दंगे हो जाएं तो पुलिस वाले जाते हैं अब पुलिस वाला भी तो इंसान ही है तो कई बार उसको जो है ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो लोग आम जनता के अगेंस्ट चले जाते हैं और कई बार ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो उनके खुद के अगेंस्ट भी चले जाते हैं प्रेशर में आके यानी उनके ऊपर पॉलिटिकल जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है विच बिकेम द सब्सटेंस ऑफ हिज पोइट्री और यही जो है यही थीम जो है उनकी पोइट्री का मतलब कि एक यही मतलब थी ये जो बातें हैं जो उन्होंने फेस किया अपनी लाइफ में वही चीज़ें जो है उनकी पोइट्री का थीम बन गया हिज राइटिंग इज सेट इन रूरल इंडियन लैंडस्केप विच हैज इंस्पायर्ड हिम और जैसा मैंने आपको बताया कि उनका जो ट्रांसफर है रूरल एरिया के अंदर ज्यादा होता रहा तो वो जो है उनके जो वर्क है उनके अंदर रूरल इंडिया के बारे में उनके लैंडस्केप के बारे में ज़्यादा उन्होंने लिखा क्योंकि वो चीज़ें उनको इंस्पायर करती हैं अकॉर्डिंग टू द पोइट्स सोन और ये जो है बाय प्रोफेशन तो आई थे ही और इन्होंने वैसे तो शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी है एक आध नावल भी लिखा है लेकिन बेसिकली ये जो है पोइट थे गाइज तो एक तो इनका बायोग्राफी में से क्वेश्चन बनेंगे और दूसरा जो है इनका जो है राइटिंग स्टाइल क्या था उसके ऊपर है यानी थीम वगैरह क्या था

उनकी जो पोइट्री है वो ज़्यादा रूरल एरिया से जो है मतलब उनके जो पोइम्स हैं उनके अंदर जो है रूरल एरिया का लैंडस्केप है उसके बारे में ज़्यादा है हिज पोइट्री इज़ अर्थली अर्थी यानी उनकी पोइट्री जो है मतलब आम जनता से जुड़ी हुई है और डाउन टू अर्थ जिसको कहते हैं वो हैं इसका मतलब ये है यानी सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है ही हैज़ अवॉइडेड दैट सोफेस्टिफिकेशन ये कह रहा है कि उन्होंने जो है सोफेस्टिफिकेशन को अवॉइड किया है क्योंकि वो जो है रूलर एरिया के टच में रहे हैं तो रूलर एरिया के टच में रहे हैं इसका मतलब तो ये है कि इन्होंने जो है मतलब कि आपने जो लैंग्वेज है वो भारी भरकम नहीं ली है क्योंकि इनके जो है जो थीम वगैरह है वो भी सेम ऐसे ही थे गांव से रिलेटेड थे तो इन्होंने सोफेस्टिफिकेशन का मतलब यही होता है कि हैवी लैंग्वेज का यूज़ करना थोड़े से बड़े शब्दों का यूज़ करना तो वो ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने अपनी पोइट्री के अंदर विच वायल एडिंग ग्लोस टेक्स अवे फ्रॉम द पावर ऑफ वर्ड्स ये कह रहे हैं कि ये अपनी पोइट्री के अंदर ये इन्होंने खुद ही लिखा अपने बारे में ये कह रहे हैं कि वाइल एडिंग ग्लोस वो अपनी पोइट्री में ग्लोस का यूज़ करते हैं अब ये ग्लोस क्या होता है गाइज ग्लोस होता है जैसे आपने कोई भी एक अपने आर्टिकल में कुछ भी डिफ़िकल्ट वर्ड मान लो यूज कर दिया है तो आप उसका जो है नीचे उसका एक पॉइंट बताते हैं एक सिंबल सा बताते हैं कि इसका ये मीनिंग है यानी आप अपनी तरफ से उसको क्लियर करते चलते हैं टेक्स अवे फ्रॉम द पावर ऑफ वर्ड्स और इसलिए जो है पावर ऑफ वर्ड्स यानी कि जो लयात्मकता होती है उसकी ये पावर को मतलब अवॉइड कर देते हैं तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी इसका सिंपल सा मीनिंग यह है कि भाई वो अपनी पोइट्री में इतने सीधे सिंपल वर्ड uh, का यूज़ करते हैं क्योंकि उनका जो पॉइंट है वो रूरल एरिया से रिलेटेड है उनका थीम जो है रूरल एरिया से रिलेटेड है तो जो है टेक अवे फ्रॉम द पावर ऑफ वर्ड्स तो वो जो है क्योंकि पोइट्री के अंदर तो हैवी वर्ड्स का भी यूज़ होता है लेकिन ये पावर ऑफ वर्ड्स को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं राइटिंग ऑफ के की एन दारूवालाई हिज बिटर एंड स्टायरिक टोन लोडेड विद हिज ओन एक्सपीरियंस ऑफ वो तो ये कह रहा है कि जो दारूवाला है दारूवाला दारूवाला इज मार्क्ड हिज बिटर एंड स्टायरिक टोन जितने भी वर्क हैं उनके अंदर एक तो बिटर और स्टायरिक टोन स्टायरिक होता है व्यंग्यात्मक तो व्यंग्यात्मक चीजों का उन्होंने यूज किया है लोडेड विद हिज ओन एक्सपीरियंस ऑफ वायलेंस यानी कि जो उन्होंने हिंसा देखी है क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर थे तो डेफिनेटली उन्होंने भी जो है आम जनता पे भी हिंसा की होगी और पुलिस वालों पे भी हिंसा होती है तो उस अपने एक्सपीरियंस को जो है उन्होंने एक बिटर और स्टायरिक वे में यूज़ किया है इन पर्टिकुलर द ब्रूटल नेचर ऑफ पुलिस एनकाउंटर और खास तौर पर जो ब्रूटल नेचर होता है पुलिस का वो एनकाउंटर करते हुए उसके बारे में गुड इवनिंग निरंजन वेरी गुड इवनिंग गाइस आपको एक सेकेंड के लिए वेट करना होगा सॉरी गाइस, चलिए आगे लेते हैं वायल हिज अर्ली पॉइंट स्पेशली वायल हिज अर्ली पॉइंट स्पेशली दो रिटर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस एज ए पुलिस ऑफिसर शो शो एन एक्यूटनेस ऑफ ऑब्जर्वेशन अक्यूटनेस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड शार्पनेस ऑफ एक्सपीरियंस तो ये कह रहा है कि वाइल्ड हिज अर्ली पोइम्स इनकी जो अर्ली पोइम्स हैं, इनके अंदर जो है इन्होंने जो ऑब्जर्व किया है यानी एज अ पुलिस ऑफिसर जो इन्होंने ऑब्जर्व किया है वही चीजें इसके अंदर दिखाई गई हैं गुड इवनिंग गुड इवनिंग विजेता एंड लेटर पोइम शो एन इंटेंसिफिकेशन ऑफ सोशल अवेयरनेस और जो बाद की जो पोइम है उनके अंदर जो जो सोशल अवेयरनेस है उनके अंदर जो गंभीरता है उसको दिखाया गया है ऑफ ए डीप कॉन्सियसनेस ऑफ द एनवायरमेंट इन विच अ पोइम इज सेट और जो है डीप कॉन्सियसनेस के साथ जो एनवायरमेंट के अंदर जो डीप कॉन्सियसनेस है उसके बारे में दिखाया गया लेटर की पोइम के अंदर यानी स्टार्टिंग की जो पोइम्स हैं उनके अंदर जो इनका थीम है वो पुलिस से रिलेटेड है और बाद में यानी वोलेंस से रिलेटेड है और बाद में इन्होंने जो दिखाया है उसके अंदर जो है सोशल अवेयरनेस के मुद्दे भी उठाए हैं डीप जो कॉन्सियसनेस के मुद्दे भी इन्होंने उठाए हैं बट द रियल सिग्निफिकेंस एंड पावर ऑफ हिज पोइट्री, बट द रियल सिग्निफिकेंस एंड पावर ऑफ हिज पोइट्री इमर्स फ्रॉम द इंट्रेक्शन बिटवीन हिज सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सिस एंड लार्ज कॉन्टेक्ट दैट इंक्लूड बोथ मिथ एंड एक्चुअलिटी ये कह रहा है कि इसके अंदर जो रियल सिग्निफिकेंस है रियल सिग्निफिकेंस का मतलब होता है जो वास्तविकता में जो महत्व है इनके अंदर इनकी पोएट्री के अंदर वो किस चीज़ का रियल सिग्निफिकेंस एंड पावर ऑफ हज पोएट्री यानी इनके अंदर मेन जो है इनकी वक्त के अंदर क्या है जो चीज़ उभर के आती है जो इंट्रैक्शन है किस किस के बीच में इंट्रैक्शन है उनके जो खुद के जो है रिस्पॉन्स थे यानी उन्होंने जो फील किया एक्सपीरियंस किया उनके और जो लार्ज कॉन्टेक्स्ट के अंदर मिथ और एक्चुअलिटी से रिलेटेड एक्चुअलिटी यानी जो वास्तविकता में है जो मिथ है और उनका फिर उनसे रिलेटेड जो उनका एक्सपीरियंस है उनसे रिलेटेड गुड इवनिंग सीमा वेरी गुड इवनिंग दारूवालाज पोइट्री इज नोटेबल फॉर द विविड एंड पिक्चर portrayal ऑफ द लैंडस्केप ऑफ नॉर्थ इंडिया एक ये क्वेश्चन बन सकता है गाइस कि इन्होंने अपनी पोइट्री के अंदर नॉर्मली जो है कौन से इंडिया के एरिया को लिया है तो इन्होंने जो है नॉर्थ इंडिया के जो है एरिया के जो नॉर्थ इंडिया है उसके लैंडस्केप के बारे में बात की है उनकी रिवर के बारे में हिल्स के बारे में प्लेन्स के बारे में तो इन चीजों का इन्होंने लिया पोस्टर एंड ब्यूटीफुल डिपिक्टेड तो जो है नॉर्थ इंडिया को इन्होंने अपने वर्क के अंदर जो है ज्यादा महत्व दिया कह सकते हैं कि कंसेप्शन ऑफ लव इज नाइदर फिलोसफिकल नॉर स्पिरिचुअल और लव के बारे में ये मानते हैं कि जो ये तो ना तो फिलोसफिकल होता, होता है ना ही स्पिरिचुअल होता है टू हिम सेक्स इज एसेंशियल फॉर हैप्पी मैरिड लाइफ हिज फर्स्ट बुक ऑफ पोईम अंडर यूरियन तो ये इनका जो है फर्स्ट बुक थी पोइम से रिलेटेड यह कह सकते हो आप अंडर इन इन एंड हिज अप्रैल का मीनिंग होता है गोस्ट लगा लीजिए इन इन अप्रैल द उत्तर प्रदेश स्टेट अवार्ड गाइज इनका जो कैडर था जैसे कहते हैं ना कि कोई जो है आई पी एस वगैरह लगता है तो उसको कैडर मिलता है तो वो कैडर जो है कहाँ का था तो ये इनको यूपी का मिला हुआ था इसलिए इनको जो है इन्होंने जो वर्क लिखा था पहला 1970 के अंदर और फिर जो है इनको उत्तर प्रदेश के अंदर ही जो है 1972 के अंदर इनको जो है यूपी उत्तर प्रदेश स्टेट का अवॉर्ड जो है मिला था वर्क यानी यहां से आपका पॉइंट बन जाता है तो इनका जो है वर्क है अंडर यूरोन और अपार्टिशन इन अप्रैल ये और जो है इसके ऊपर इनको जो है उत्तर प्रदेश स्टेट अवार्ड मिला हुआ है 1972 के अंदर हिज थर्ड बुक क्रॉसिंग ऑफ रिवर क्रॉसिंग ऑफ रिवर वाज पब्लिश्ड बाय द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस इन 1976 थर्ड जो नो वर्क है इनका वो जो है क्रॉसिंग ऑफ रिवर है और इसके लिए इनको जो है 1976 में पब्लिश हुआ हिज पोएट्स फिगर इन नंबर ऑफ एंथोलॉजीस एंड ही has himself edited एडिटेड an एन of ऑफ मॉडर्न इंडियन पोइट्री the title टाइटल टू of ऑफ इंडियन पोइट्री इन इंग्लिश और इन्होंने जो जो है दो पोइट्री को जो है मतलब एडिट किया है इसमें से टू डेकेड्स ऑफ इंडियन पोइट्री इन इंग्लिश एक तो ये है 1960 में आई और 1990 के अंदर ही वोन द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन नाइनटीन फोट तो गाइस एक तो ये भी हमारे लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इनको जो है क्या क्या जो है अवार्ड मिले हैं तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है <laughs> जय हिंद किरण तो गाइस एक बार जो है आप सभी सेशन को लाइक कर दीजिए जिसने नहीं किया है अब जो है निजीम स्किल है अपलोडेड हिज वर्क देखो गाइस वैसे तो आपने देखा होगा इनकी जो है चीज़ें जो है क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो इनकी बायोग्राफी बायोग्राफी यानी कि इन और इनके अवार्ड ज़्यादातर ये है इनकी इनकी पोइट्री का जो थीम है वगैरह वो है तो एक तो इनका प्रोफेशन सबसे बड़ा जो है इनके लिए प्लस पॉइंट है इन्होंने कहाँ कहाँ वर्क किया है पीएम में तो गए हैं ये तो ये जो है चीज़ें इनके लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है यानी इनकी बायोग्राफी इनके वर्क से ज़्यादा इनकी बायोग्राफी है और अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क में जो है गाइज इनका थीम जो है सबसे बढ़िया है सबसे इम्पोर्टेंट है तो निजीम एजगिल जो है जो एक जो दूसरे इंडियन राइटर हैं उन्होंने इनको अपलोड किया तो एक कोटेशन किसी राइटर ने जो है किसी के बारे में क्या बोला है तो वो चीज़ें इम्पोर्टेंट है तो ये जो लिखा है ये भी इम्पोर्टेंट है तो क्या है इंप्रेसिव एविडेंस नॉट ओनली ऑफ मेच्योर पोइटिक टैलेंट बट ऑफ लिटरेरी स्टेमिना इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ एंड सोशल अवेयरनेस तो ये जो है इम्प्रेसिव एविडेंस नॉट ओनली ऑफ मेच्योर पोइटिक टैलेंट ये कह रहा है कि इनके अंदर जो जो इनका इंप्रेसिव टैलेंट है एविडेंस जो दे रहा है वो ये नहीं कि खाली वो पोइटिक टैलेंट उनका मैच्योर है बल्कि उनका जो लिटरेरी स्टेमिना है इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ है और सोशल अवेयरनेस है ये उस चीज़ का भी एविडेंस है तो ये जो स्टेटमेंट दी है निजीम स्किल ने गाइस 16 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था आई थिंक निजिम स्किल से रिलेटेड था मुझे ध्यान नहीं है कि निजीम स्किल के बारे में किसी ने बोला था या जो है के एन दारो वाला के बारे में बोला था लेकिन दोनों ऑप्शन में थे ऐसा इंडियन लिटरेचर के अंदर जब क्वेश्चन पूछा गया था तो इससे रिलेटेड उस टाइम पर भी क्वेश्चन पूछा है के एन दारूवाला से रिलेटेड और निजिम स्किल से रिलेटेड तो आपको जो ये ये चीजें याद रखनी है यानी कि ये जो है किसने बोला किसके बारे में बोला तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए रिफ्यूजी फिल्म इनके जो है वक़ है वक क्या है लव एक्रॉस द सोल्ट डेजर्ट लव एक्रॉस द सोल्ट डेजर्ट ये जो है एक इन्होंने वक् लिखा है और ये जो है इसी से इंस्पायर्ड होके जे दत्ता ने जो है रिफ्यूजी फिल्म बनाई थी अब आप सब ने रिफ्यूजी तो देखी होगी तो बताओ फटाफट से किसकी है ये रिफ्यूजी जो मूवी है तो तब तक मैं आगे लेती हूँ अ स्टोरी बाय के की वाला ये स्टोरी है लव एक द सोल्ट डेजर्ट सोल्ट डेजर्ट यही है रेगिस्तान सॉरी रेगिस्तान क्या कच्छ जिसको कहते हैं गुजरात का कच्छ हाँ करीना और अभिषेक की ये पहली फिल्म है गाइस वेरी गुड सबको पता है इसका मतलब सबने देखी है हाँ करीना और अभिषेक की आई थिंक ये पहली फिल्म है दोनों की तो द थीमेटिक कन्वेंस ऑफ द स्टोरी इज बेस्ड अराउंड द ग्रेट रन ऑफ कच्छ तो जो है क्योंकि वहाँ नमक ही नमक है तो उस, उसको बोलते हैं रन ऑफ कच्छ तो उस पे बेस्ड है ये स्टोरी और रिफ्यूजी भी वहीं से रिलेटेड थी ऑल्सो द स्टोरी मेक पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड ट्वेल्थ सिलेबस इंग्लिश टेक्स्ट बुक एनसीआर और इनके जो है वर्क को जो है इनकी स्टोरी को एनसीआर में ट्वेल्व की क्लास के अंदर भी लगाया गया है लव द सोल्ट डेजर्ट अब यहाँ पे है ये बिल्कुल वसी वैसी ही इसकी स्टोरी है लव द दोल्ट डेजर्ट जैसे रिफ्यूजी मूवी है तो आप सबने ये देखी है किस नाम से था किस नाम से था विजेता इलेवंथ के अंदर इनका लेसन इनके अवार्ड देख लीजिए अवार्ड क्या क्या हैं? उत्तर प्रदेश स्टेट अवार्ड इन 1972। तो ये जो है इनको 1972 के अंदर जो है अपार्टीशन इन अप्रैल के लिए उत्तर प्रदेश जो स्टेट है ओके तो अपार्टिशन इन अप्रैल ये जो है इनके वर्क के लिए इनको उत्तर प्रदेश स्टेट अवार्ड मिला है 1972 के अंदर और साहित्य एकेडमी अवार्ड जो है 1984 में मिला है द कीपर ऑफ द डेड के लिए द कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज़ फॉर एशिया इन 1987 एटी सेवन वॉल्यूम ऑफ द कलेक्शन ऑफ पोइम एंड टाइडल लैंडस्केप तो लैंडस्केप के लिए इनको जो है नाइनटीन के अंदर जो है कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज़ मिला है और पद्मश्री इनको जो है 2014 में मिला है तो गाइस आपको पता होगा इन्होंने जो है 15 में जो है अपना जो इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था वो वापस कर दिया था और जो कोई इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर उसके विरोध में इन्होंने अपना जो जो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था टू के अंदर वापस किया और साहित्य अकेडमी अवार्ड जो अकेडमी है वो भी नाराज़ थी और उन्होंने कहा कि आप अपना अवार्ड वापस लो लेकिन इन्होंने वापस नहीं लिया तो ये भी एक कंट्रोवर्सी इनके साथ जुड़ी हुई है यानी ये उन लोगों में से थे जिन्होंने 15 के अंदर जो है अपना जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है या जिनको जो जो अवार्ड मिले थे वो वापस कर दिया था अब इनके वर्क हैं गाइस दारूवाला से इम्पोर्टेंट वर्क पोइट्री है सबसे पहले इनके जितने भी वर्क हैं हाँ इन्होंने अपना वापस कर दिया था हाँ पोइट की डेथ पे बिल्कुल किसी डेथ से इन द सेंस ये है कि किसी ने उसको पीट दिया और फिर जो है कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता और साहित्य अकेडमी जो अकेडमी है वो भी उसको क्रिटिसाइज नहीं करती है तो इसी जो है ये अवार्ड को वापस कर देते हैं अंडर ओरियन नाइनटीन सेवेंटी यह हमने अभी पढ़ा भी था तो ये सिकवेंस में एक टाइप से सिक्वेंस इन देंस कि एक इकट्ठे लगा दिए हैं आपकी ईजीनेस के लिए ये तो ये पहला वर्क है अंडर ओरियन 1970 सेवेंटी

और जो है कलेक्टेड पोइम्स जो है ये 2006 के अंदर तो ये जो है इनके कुछ पोइम्स थी अब इनके जो है अदर वर्क ले लेते हैं ये वर्स में है जैसे यानी ये पोइट्री है कीपर ऑफ द डेड 1982 एटी टू सेंट्रल साहित्य अकेडमी अवॉर्ड तो ये हम पहले भी कर चुके हैं कि इनको जो है इस वर्क के ऊपर द कीपर ऑफ द डेड के ऊपर इनको जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है 1984 के अंदर अभी उन्हें जो है कुछ शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं और जो शॉर्ट स्टोरीज हैं जैसे सो वार्ड एंड अबेस 1979 के अंदर 1979 द मिनिस्टर फॉर परमानेंट अनरेस्ट एंड अदर स्टोरीज है हाउस इन रानी खेत अब इनके कुछ नॉवल भी हैं दारूवाला इज इम्पोर्टेंट नॉवल ए पेपर एंड क्राइस्ट इन नॉवल टू थाउजेंड टेन इट इज ए हिस्टोरिकल नॉवल बेस्ड ऑन वास्को डी वो एस टू इंडिया फॉर द स्पाइस ट्रेस द प्लॉट बिल्स ऑन हिस्टोरिकल कन्वास वो वन अराउंड इवेंट्स ड्यूरिंग द एंड ऑफ द फिफ्टीन सेंचुरी एंड दिक्सटीन सेंचुरी एक्चुअली में इसकी जो है ये नॉवल है इसकी स्टोरी क्या है पेपर क्या होता है पहले मुझे एक बार ये बता दीजिए फटाफट से बताइए कि पेपर क्या होता है वाक्य याद करने की कोई ट्रिक काली मिर्च वेरी गुड निधि ठीक बोला आपने देखो गाइस जो ये क्राइस्ट से मतलब ये है कि जो अंग्रेज लोगों को रिप्रेजेंट करता है ये और पेपर जो है ये जो है काली मिर्च है तो ये कह रहे हैं कि वास्को डिगामा जो है यानी इंडिया में आया उसके बाद जो है उसने जाके बताया कि वहाँ पे क्या क्या है वो कितना समृद्ध है जिसको कहते है, सोने की चिड़िया हुआ करता था हमारा देश तो वहाँ जो है वापस जाता है और वो जो है फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आती है लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो है किस एम के साथ आती है क्योंकि हमारे यहाँ स्पाइस बहुत ज़्यादा थी यानी मसाले जिसको हम कहते हैं तो उनका व्यापार के लिए आए थे यानी मेनली उनका जो फंक्शन था वो व्यापार के लिए था लेकिन बाद में क्या हुआ तो उसी पे स्टायर किया हुआ है मैंने कि वो आए थे जो है मतलब कि व्यापार करने काली मिर्च का कह लीजिए स्पाइस का कह लीजिए लेकिन जो है फिर वो जो है किस तरह से उन्होंने पूरी हमारी हिस्ट्री को ही चेंज कर दिया और इसके अंदर जो फिफ्टीन सेंचुरी और सिक्सटीन सेंचुरी का जो है किस्म से चीज़ों को लिया गया है मतलब कि उस टाइम पीरियड का इन्होंने इसमें यूज़ किया गया है सवरिंग टू सोल्यूट लेटर टू मामा टू थाउजेंड एटीन द स्टोरी बिल्ड ऑन डिसेंटिंग वॉइस ऑफ सीमा मैरिटो ड्यूरिंग द एमरजेंसी विच लीड टू मैरिटल डिस्कोर्ड इन हर ओन लाइफ एंड अनएक्सपेक्टेड बिगिनिंग ऑफ हर मदर्स प्राइवेट हिस्ट्री मामाज फीलिंग फॉर एम एन रॉय तो गाइस ये भी एक स्टोरी है एमरजेंसी से रिलेटेड है लेकिन ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप इसको जो है छोड़ सकते हैं अब ये इनकी पोईम है रूटीन रूटीन जो है इनकी पोईम है अब इसके अंदर क्या है इसकी बात कर लेते हैं ये इम्पोर्टेंट है गर्ल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरा इन्होंने जो कुछ लिखा है इसमें इनका थीम बिल्कुल निचोड़ के आ जाता है तो रूटीन जो है इसमें क्या है यानी पुलिस जो है अपने हर टाइम रूटीन उनका रूटीन क्या होता है और वो जो है इतने एग्रेशन में क्यों रहते हैं वो हमेशा झंझलाट में क्यों रहते हैं तो आपने भी देखा होगा कहते हैं कि पुलिस जो फोर्स होती है और मुझे ये पर्सनली भी पता है तो क्या होता है इनको जो है ना छुट्टी नहीं मिलती जल्दी से और छुट्टी नहीं मिलती है इस वजह से अब इनको रेस्ट नहीं है मेंटली ये जो है स्ट्रेस में रहते हैं और उस टाइम पे एक और वजह बताते हैं ये जब ये जो है इंडिया जो है आज़ाद नहीं हुआ था तो उनकी जो ड्रेस थी पुलिस वालों की जो ड्रेस थी जो उनका जो है चीज़ें लगी हुई थी उनकी यूनिफॉर्म थी ड्रेस से ज़्यादा यूनिफॉर्म कहें तो यूनिफॉर्म इतनी मतलब ज़्यादा थी कि हमारा जो इंडिया का जो वेदर है यानी इतना हॉट जो वेदर है इसमें उनके लिए जो है मतलब तप जाते थे एक किस्म से उनको पहनना बड़ा मुश्किल होता था तो इसलिए वो जो है हमेशा एग्रेसन में रहते थे क्योंकि वो जिस यूनिफॉर्म को पहने हुए हैं उसमें वो कंफर्टेबल नहीं है तो कहीं ना कहीं यही है तो ये कह रहा था पोईम इज टेकन फ्रॉम द कलेक्शन अ पार्टीशन इन अप्रैल अ पार्टीशन का मीनिंग मैंने बताया घोस्ट होता है एक टाइप का यानी घोस्ट की तरह का बूथ लगा लीजिए कुछ भी तो नाइनटीन के अंदर आया द स्पीकर ऑफ द पोइम इज ए पुलिस ऑफिसर इन यूनिफॉर्म ही हु इज ऑर्डर टू पुट डाउन अ अरो तो ये कह रहा है कि इसके अंदर जो स्पीकर है वो एक पुलिस ऑफिसर है और उसको ये ऑर्डर दिया जा यूनिफॉर्म में है यानी वो पहले ही अग्रेशन में है गुड इवनिंग राजेश तो वो पहले ही परेशान है पहले ही जो है थोड़ा सा अपनी सिचुएशन से या वो कंफर्टेबल है नहीं यानी जो वियरिंग उसने डाली हुई है जो यूनिफॉर्म उसने डाली हुई है उसके अंदर वो खुद कंफर्टेबल नहीं है तो उसको जो है भेजा जाता है जो दंगे वगैरह हो जाते हैं उनको जो है सॉर्ट आउट करने के लिए उनको शांत करने के लिए The the poem begins by describing the पुटीज a strip of cloth पुलिस मैन on their देर above their boots of the police and the poet alludes this to the british raj और जो ये पोइम स्टार्ट होती है उसके पहनावे से होती है यानी उसकी यूनिफॉर्म को डिस्क्राइब किया गया है इतने patches लगे हुए हैं ये चीज़ें लगी हुई है तो वो उसके मतलब कि बिल्कुल हील जो उनके बूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचे है। तक हैं जैसे बूट्स ही वो चीज़ें होती हैं जैसे एक तो शूज़ होता, होता है एक बूट्स होता है स्ट्रीप ऑफ क्लॉथ पुलिस मैन वियर यानी इतना मतलब तामझाम है उसकी यूनिफॉर्म के अंदर और वो जो है द पोइट एलियल्यूड दिस टू द ब्रिटिश राज और ये मतलब जो है मतलब जो ये कह रहा है कि उसकी यूनिफॉर्म जो है ब्रिटिश या जो राज है उसकी याद दिलाती है मतलब कि वो उससे पता चलता है कि ब्रिटिश राज में है और फिर ये कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ को भी दिखाते हैं कि बाद में भी यानी जो राइटर है या पोइट हैं वो बाद में भी ये बताते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो आजादी के बाद भी जो है चेंज नहीं हुई यानी उन्होंने जो है उस चीज को अभी तक उन मतलब बेशक हम आजाद हो गए हैं लेकिन बहुत सारी चीजें रूटीन में अभी भी चल रही हैं तो वो उस चीज के ऊपर भी स्टायर करते हैं द स्पीकर कंटिन्यू टू डिस्क्राइब द इनकम्पेटेबिलिटी ऑफ वियरिंग कोलोनियन यूनिफॉर्म इन द होटर क्लाइमेट कोलोनियन यूनिफॉर्म इन द होटर क्लाइमेट ऑफ इंडिया तो ये इसके अंदर जो है वो आगे इसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं कि कितने इनकम्पेटिबल हैं वो इस तरह की जो कॉलोनियल यूनिफॉर्म है उसको पहन के क्योंकि काफ़ी सालों तक वो यूनिफॉर्म चेंज नहीं हुई और जो है वो हॉटर क्लाइमेट में इंडिया के अंदर दिस एलियन यूनिफॉर्म कीप कीप्स द पुलिस मैन रिपल्सिव हॉट टेम्पर्ड एंड डिटेस्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ देयर ओन कंट्री और ये जो इस टाइप की जो यूनिफॉर्म है इसने पुलिस वालों को जो है एक रिपल्सिव बना दिया हॉट टेम्पर्ड कर दिया उनको और जो है अपने ही लोगों से उनको एक किस्म से दूर कर दिया यानी वो खुद ही गुस्से में रहते हैं अब जो है ये रूटीन ये मतलब सबसे इनका इम्पोर्टेंट वर्क है मतलब पूरा थीम जो इन्होंने सर्विस के दौरान जो जो इनको एक्सपीरियंस हुए है हैं वो सब इसमें लिखा है अब क्या है कि इस जो पहले तो यानी उसकी यूनिफॉर्म के बारे में बताया जाता है उसकी डिस्क्रिप्शन दी जाती है और उनका रीज़न बताया जाता है कि वो अग्रेसिव क्यों रहते हैं आज के दौर में भी जैसे कहा जाता है गाइज कि पुलिस वाले बड़े अग्रेसिव रहते हैं अग्रेसिव इन द सेंस कि वो जैसे वो मैनर से उतना बात नहीं करते तो इसकी वजह यही है कि उनका जो ड्यूटी का टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा होता है उनको वो जो रेस्ट नहीं मिलता जैसे कोई भी जॉब है तो आठ घंटे की होती है उनकी कोई अठारह घंटे की भी हो सकती है और जो फील्ड के लोग होते हैं तो उनकी चौबीस घंटे की जो है ड्यूटी होती है तो एक वजह ये भी है फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन अब ये कह रहा है कि उस पुलिस वाले को ये ऑर्डर मिला कि जो दंगे वगैरह हुए हैं उनको शांत करो तो वो फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन यानी जो जो उनको इंस्ट्रक्शन मिली उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है वो और जो है द पुलिस मैन मार्च टूअर्ड द एंग्री क्राउड ऑफ यंग प्रोटेस्टर मोस्टली स्टूडेंट एंड द लेटर कोल दैम एब्यूजिव नेम और जो जैसा कि नॉर्मली होता है कि पुलिस जो है मार्च करती है जहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं जैसे इस हमने भी हरियाणा में देखा जब जो है आर्मी का मार्च पास हो परेड हुई थी या मार्च हुआ था जब जो है क्राउडेड क्राउड crowd के सामने यानी एक किस्म से वो कह रहे हैं कि भाई आप वो सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं आपने कई बार मूवी में भी देखा होगा कश्मीर में भी देखा होगा कि वो जो है परेड करते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो अंडर कंट्रोल करना चाहते हैं एक टाइप की ये कह सकते हैं इनडायरेक्टली वो वार्निंग देते हैं कि आप अपने जो भी प्रोटेस्ट है उसको शांत करो और मतलब हम तैयार हैं ये कह सकते हैं तो अब ये कह रहा है कि यंग प्रोटेस्टर थे जो उनके सामने जो है वो मार्च करते हैं और मोस्टली वो जो स्टूडेंट थे और बाद में वो उनको जो है अब्यूजिंग नेम देते हैं मतलब पहले तो वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट है लेकिन बाद में अब्यूजिव नेम देते द पुलिस में डू नॉट बोदर एज दे आर यूज टू इट और पुलिस वालों को इससे फर्क भी नहीं पड़ता कि जो वो गंदी गालियां दे रहे हैं तो एक किस्म से इसी के अंदर जो है करम सिंह नाम से एक पुलिस ऑफिसर है विद द सेम रैंक एज दैट ऑफ द स्पीकर और वो जो है उसी रैंक का है जिसमें जो है स्पीकर है यानी वो भी एक टाइप का आई ऑफिसर ही है या मतलब उसी पे है जितना जो है स्पीकर है कमेंट्स दैट दीज प्रस्टर आर वेरी यंग पहले तो वो ये कहता है कि ये प्रोटेस्टर जो है ना कम एज के हैं एंड ही हैज चिल्ड्रन ओल्डर टू देम और उसके बच्चे जो है इन बच्चों से बड़े हैं यानी जो प्रो, प्रोटेस्टर हैं इनसे बड़े तो उनके बच्चे हैं यानी उनकी उनकी मासूमियत को दिखाते ही किस्म से जो प्रोटेस्टर है उनकी अब आगे देखिए क्या होता है

अब जो है स्पीकर को ये डर हो जाता है कि जो ये दंगे वाले हैं ये उनकी खाकी स्किन को यानी उनकी वर्दी को ना जला दें ऐसे कुछ एज एक्सपेक्टेड द पुलिस रिपीटेड देयर रूटीन ऑफ वार्निंग द प्रोटेस्टर विच इज लॉस्ट इन फेरी स्लोगन तो ये कह रहा है कि जैसा रूटीन होता है कि बार बार वो वार्निंग दे रहे हैं पुलिस वाले लेकिन जो है वो इस तरह के जो स्लोगनबाजी चल रही है उनमें उनका जो वार्निंग है वो भी एक किस्म से दब जाती है क्योंकि प्रोटेस्टर हैं वो जो है भड़काऊ जो है स्लोगन दे रहे हैं तो उनमें जो है उनकी वार्निंग दब जाती है द पोईम कंक्लूड्स विद एन आयरोनिक स्टेटमेंट अब यहाँ पे जो है इससे पहले अब क्या होता है गाइज इसके अंदर ये आयरोनिक ये क्योंकि ये तो कंक्लूजन आ गया अब पुलिस जो है वार्निंग दे रही है और क्या करते हैं सभी जो पुलिस वाले हैं वो जो है वो कहते हैं ना हवाई फायरिंग करना वो जो है अपनी गन का जो है जो गन को स्काई की तरफ करके और वह हवाई फायरिंग कर रहे हैं लेकिन जो स्पीकर है वो एक यंग लड़के पे ऊपर चला देता है हालांकि वो जो है जानबूझ के चलाता है उस इसके अंदर बताया गया है यानी जो इस पोइम के अंदर कि उसको ज़रूरत भी नहीं है लेकिन फिर भी वो चला देता है लड़का और लड़के की डेथ हो जाती है और एक सेकंड के अंदर जो है जो भीड़ है वो तितर बितर हो जाती है डिस्पर्स हो जाती है तो ये जो है बीच में दिखाते हैं लड़के को जो है पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है यानी कि वो जो है पुलिस वालों का ये खूंखार रूप भी दिखाते हैं तो उनको पहले तो उन्हीं बच्चों के लिए वो कह रहे हैं कि यंग प्रोटेस्टर हैं और फिर उन पर गोली चलाते हुए भी वो पीछे नहीं हटते तो एक ये जो है पुलिस का जो कहें कि ब्रूटल नेचर है वो भी दिखाया गया यहाँ पर और एक ये भी है कि अब यहाँ पे जो है जैसे उनकी भी मजबूरी है मतलब मजबूरी क्या है मजबूरी ये है गाइस कि करता कोई और है और फिर जो है भुगतान करने के लिए पुलिस वालों को आगे कर दिया जाता है तो यहाँ पे ये जो है मतलब वो मर जाता है बच्चा और उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और जो जो प्रोटेस्ट है वो उसी टाइम पे ख़त्म हो जाता है अब ये कह रहा द पोइम कंक्लूड्स विद एन आयरोनिक स्टेटमेंट एक जो है जो पोइम का कंक्लूजन निकलता है वो एक आयरोनिक स्टेटमेंट के साथ निकलता है जब एक पॉलिटिकल लीडर जो होता है हु मे है प्रोफेस्ड एंड एक्सप्लोटेड द इनएक्सपीरियंस स्टूडेंट प्रोटेस्टर मतलब ये पॉलिटिकल लीडर ही उन बच्चों को उकसाते हैं उनको जो है वो अनुभव ही नहीं है लेकिन उनको लगता है कि ये जो है मतलब पॉलिटिकल लीडर उनके साथ हैं तो वो नारेबाजी करते हैं भड़काते हैं यानी यहाँ पर ये कह सकते हो कि चाहे देखो को पार्टी कोई भी हो जो प्रोटेस्टर बैठे हैं वो भी किसी के सपोर्ट से ही बैठते हैं चाहे वो किसी तरह का प्रोटेस्ट चल रहा हो स्टूडेंट का चल रहा हो किसी और का चल रहा हो तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जो ये दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं ये हमारी हेल्प करेंगे और वो इसी जो है मतलब गलत फहमी में कह लीजिए वो अपने प्रोटेस्ट को वोइलेंट बना देते हैं तो अब क्या है एक तरफ तो ये जो यानी पोलिटिकल लीडर का ही यह कमाल है कि उन्होंने जो है ये प्रोटेस्ट को ज़्यादा हवा दी और दूसरी तरफ जो रूलिंग पार्टी के अंदर जो पोलिटिशियन होता है वो उस पुलिस वाले पर प्रेशर बनाता है कि इसको सॉर्ट आउट करो तो यानी दोनों साइड जो है एक पोलिटिशियन ही है जो पूरी सिचुएशन को क्रिएट करवाता है और फिर जो गोली चली है बच्चे के ऊपर तो वो भी उनकी मजबूरी है क्योंकि वो कह रहे हैं इसको सॉर्ट आउट करो एक दोनों तरफ जो है पोलिटिशियन है और बीच में जो है जनता है और पुलिस वाले हैं तो इसके अंदर ये दिखाया गया है इसलिए इसको आयरोनिक बोला है कि पहले उसी को उठा रहे हैं और जो काम किसने किया उन्होंने ही किया इट इज़ ट्रू दैट पोलिटिकल लीडर ऑफन डू नथिंग फॉर द प्रोग्रेशन ऑफ द कंट्री तो यहाँ पे कह रहा है कि जो पोलिटिकल लीडर हैं वो देश की भलाई के लिए कुछ नहीं करते हैं दैट कीप द कंट्री बैकवर्ड और ये चीजें जो है एक देश को पीछे ले जाती हैं इट इट ऑल्सो ट्रू दैट पुलिस मैन आर वर्किंग अंडर डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस एंड दे आर ऑफन डिप्लॉयड टू मैनेज मॉब्स तो ये भी सच है कि पुलिस वाले जो है डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस में काम करते हैं और उनको वहाँ डिप्लॉय कर दिया जाता है जहाँ पे भड़काऊ जो है या हिंसक जो है भीड़ होती है उनको शांत करने के लिए उनको मैनेज करने के लिए उनको वहाँ डिप्लॉय कर दिया जाता है यानी पुलिस वालों का काम ही तब आता है जब मरने और मारने की बात आती है तो ये जो है इसके अंदर थीम है गाइस अब है इनकी माइग्रेशन ये इनकी अलग पोइम है तो आई थिंक पहले वाली आपको क्लियर हो गई होगी इनके वर्क के अंदर जो है पुलिस का ही थीम ज्यादा है गाइस उनका जो है ब्रूटल नेचर उनका कई बार जो है मजबूरी का नेचर वो सारी चीज़ें इसके अंदर दिखाई है अब जो है इसके इसका भी मैं बता देती हूँ फिर तो रीड तो, तो करना है जो करना है माइग्रेशन ये भी माइग्रेट हो के आए हैं गाइस देखो आप उस टाइम पीरियड को थोड़ा सा अपने माइंड में ले लीजिए अपने मूवी के थ्रू हम क्योंकि आप लोगों ने मैंने तो ये सब पार्टीशन नहीं देखा है तो लेकिन हम अगर ये बात कहें ये जो है 1945 के अंदर जो है जूनागढ़ आ जाते हैं 1945 और हमारे जो पार्टीशन होता 1947 और इनके फादर लाहौर के अंदर जो है गवर्नमेंट प्रोफेसर थे यानी इनके फादर को कहीं ना कहीं अंदाज़ा था कि होने वा क्या वाला है तो जो ये लाहौर में जहाँ रहते थे इतने सालों से तो उनकी यादें उनका घर सब कुछ था लेकिन ये कहें कि इनकी जो फादर की समझ लगा लीजिए उसकी वजह से गुड इवनिंग सचेत गुड इवनिंग तो ये जो है उनके फादर की मतलब समझ कह लीजिए उनकी फोरसाइटेडनेस कह लीजिए उसकी वजह से जो है उस द्वंद्द से पहले ही निकल जाते हैं यानी कि 1947 में जो हो हुआ, हुआ उससे पहले निकल जाते हैं लेकिन खो सेटल तो किया होगा लेकिन जहाँ पे इनका जो बचपन बीता जो लाहौर के अंदर जो इनकी कॉलेज वगैरह स्कूलिंग वगैरह जो भी हुई वो तो उनके अंदर था ही वो भी तो एक तो एकदम जूनागढ़ जो रियासत में आते हैं फिर भी वहाँ पे भी इनको लगा हुआ फिर पार्टीशन हो जाता है अब उनको लगता है कि कहीं जूनागढ़ जो है पाकिस्तान में ना चला जाए तो फिर वो जो है इंडिया में आ जाते हैं यानी ये माइग्रेशन है हर जगह की यादें हैं उनके साथ तो एक टाइप से इसके अंदर यही थीम है

ये है थ्रू हिज नोस्टेलजिया टॉक उनकी जो नोस्टेलजिया होता है जो आपकी यादों की जो तड़प होती है पीछे जो यादें आती हैं यानी अपनी चीज़ों को याद याद करना वो जो है बताते हैं कि जो माइग्रेट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह आते हैं तो उनके सामने क्या क्या डिफिकल्टीज होती हैं उनकी उनको कैसे रियलिटी को फेस करना पड़ता है और ये सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए, लिए नहीं एक नेशन की हिस्ट्री में भी अलग ही होती है चीज़ यानी जब एक देश बटता है तो कहीं ना कहीं ये अपनी माइग्रेशन को भी और इंडिया का पार्टीशन को भी दोनों को बात करते हैं दारोवाला वाला गैदर सोल द इवेंट्स इन हिज माइंड वाइल्ड टॉकिंग अबाउट द मेटाफिजिकल कंसेप्ट माइग्रेशन तो वो सारी यादें उसके दिमाग में हैं सारी इवेंट उनके दिमाग में हैं जो वो माइग्रेशन का कंसेप्ट या माइग्रेशन की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू हिम द माइग्रेंट हैव टू टोलरेट मैनी थिंग्स सच एज न्यू सरकमस्टांसिस न्यू कल्चर तो ये कह रहा है कि जब माइग्रेंट आते हैं एक जगह से दूसरी जगह से तो उनके सामने बहुत सारी समस्याएं आती है एक तो नई सर्कमस्टांसिस में उनको रहना पड़ता नया कल्चर है ही ऑल्सो यूज द मदर एज वेल एज ग्रैंड मदर इमेज टू डिस्क्राइब द रोल ऑफ टाइम प्लेड ही इन हिज साइकी तो अपनी मदर का ग्रैंड मदर का इन सब का जिक्र करते हैं जो उनके माइंड में ऑलरेडी है इमेज के रूप में है अब जो है इनका थीम क्या है तो इसमें स्टोरी की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस क्योंकि एक टाइप का प्रोज वर्क टाइप है ये तो पेन एंड लॉस ड्यू टू माइग्रेशन जो जो पेन होता है वो है कॉजिज प्रोसेस एंड इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन अ लास्ट पार्ट ऑफ एनी कंट्रीज हिस्ट्री नोस्टेलिजिया फॉर प्लेस एंड पास्ट एलिनेशन विद रेफरेंस टू द प्लेस एंड टाइम फिजिकल एंड इमोशनल डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड प्लेस और एलिनेशन इन रिलेशनशिप तो ये भी इसके अंदर दिखाया गया है अब ये जो है होक ये इनकी एक बड़ी फेमस सी पोइम है गाइस होक होक क्या होता है फटाफट से बताएंगे मुझे कि होक होता क्या है तब तक मैं थोड़ा सा रीड करती हूँ और आप जो है मुझे बताएंगे कि होक क्या है होक दारूवाला पोइम होक हैज एन इंटरेस्टिंग इंटरप्ले ऑफ परस्पेक्टिव हर पोइम बिगीन्स इन द फर्स्ट पर्सन वेर द पोइट रिकाउंट सींग होक बाज वेरी गुड निधि अश्वनी तो गाइज इसकी मोटी मोटी स्टोरी बता देती हूं ये क्या है इसके अंदर जो है क्योंकि इनका जो थीम रहा है गाइस वो वायलेंस का रहा है तो जैसे इन्होंने पुलिस फोर्स का भी वायलेंस दिखाया है और पुलिस फोर्स के साथ खुद के साथ जो होता है वो भी बताया है उनका ब्रूटल नेचर भी बताया और उनका कंपल्शन भी बताया है अब यहाँ पे आम आदमी का बता रहे हैं ये तो जैसे बाज होता है ये कह रहे हैं कि बाज जो है वो क्या करता है ईगल कह लीजिए बाज कह लीजिए वेरी गुड तो गाइस ये क्या होता है जो इनका शिकार होता है ये जो है उसको मारते कैसे हैं यानी वो जैसे कह जिसको कहते हैं तिल तिल करके मारना यानी उसके मांस को फाड़ते हैं ये किस्म से उसका जो जो भी इनका शिकार होता है मतलब जो भी इनका खाना बनता है वो उसके जो है अपनी नोक से इनकी जो नकुली इतनी होती है चोंच वे उससे फाड़ते हैं उसके तो आदमी धीरे धीरे या जो भी इनके फँसता है जो भी इनका शिकार होता है वो धीरे धीरे मरता है तो उसका जो है बहुत वोइलेंट नेचर होता कि है हॉक का यानी कि वो जो है कह लीजिए कि दर्द मतलब तिल तिल मरना होता है एकदम जान नहीं निकलती लेकिन घाव से मरता है फिर और कितना जो है मतलब दर्द सहन करता है तो एक किस्म से ये है तो एक बार पढ़ लेते हैं और एक्चुअल में इसका थीम क्या है उसकी भी बात करेंगे दारूवालाज पोएम हॉक हैज इन एज एन इंटरेस्टिंग और परस्पेक्टिव एक किस्म से ना प्रस्पेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरप्ले है ये हिज पॉइंट बिगिनस इन द फर्स्ट पर्सन वे हेर द पोइट इन रिकाउंट सींग होक ये कह रहा है कि जो पोइम है वो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से है लिखी हुई है और जहाँ पे पोइट जो है मतलब शुरू करता है जब वो जो है एक होक को देखता है द फर्स्ट एंजा हैज़ एन ऑलमोस्ट प्रीमेटिव एग्रेशन वी हेर द प्रीडेटरी एस्पेक्ट ऑफ द होक आर कैपिटुलेटेड तो यहाँ पे कह रहा है कि जो फर्स्ट एंजा के अंदर जो है उसका जो प्रिमेटिव प्रिमेटिव होता है जो मतलब कि ये कह लीजिए जो उसका मतलब पैतृक टाइप है या जो है मतलब कि हेरिडिटरी से जो उसको मिला ये कह सकते हो आप प्रिमेटिव ये होता है उसके अंदर एग्रेशन होता है और जो है जहाँ पे वो जो प्रीडेटरी है जो मतलब कि शिकार है मतलब जिस तरह से खूंखार है वो उसके एस्पेक्ट को इसके अंदर दिखाया गया है द रिकरेंट इमेज इज दैट ऑफ ए बर्ड फिल विद टर्ड स्वूप डाउन ऑन इट्स प्रे विदाउट मर्सी इसके अंदर ये दिखाया गया है कि रिक्रंट इमेजेस दिखाई गई हैं रिकरेंट इमेज का मतलब है कि बार बार ऐसी इमेज दिखाई गई हैं कि कैसे जो है बाज अपने जो शिकार होता है उसके ऊपर कैसे टूट के पड़ता है और वो कोई मर्सी नहीं दिखाता अब यह कह रहा है दिस इज द नेचर ऑफ अ होक बट इफ दिस होक दैट फॉल अंडर मैन शेडो इज अ मोस्टर क्रिएटेड बाय मैन सोलोली बाय फॉर हिज ओन पर्पज़ तो गाइज इस ये है यहाँ पे थीम इसका तो उसको समझ लीजिए ये कह रहे हैं दिस इज़ द नेचर ऑफ ए होक मतलब जो ऊपर बताया तो चलो नेचर है Hawk का नेचर है होक का नेचर इस वजह से है भाई अगर शेर जो है सिर्फ मांस ही खाता हो तो उसका पेट मांस से ही भरेगा वो घास तो खा नहीं सकता तो जो उसके सामने जाएगा तो प्रकृति ने उसको बनाया ही ऐसा है तो ऐसे ही हॉक का जो नेचर है वो नेचर ही प्रकृति ने ऐसा बनाया है तो यहाँ पे जो है बट इफ़ दिस इमेज इज डिस्टर्बिंग देन द डोमेस्टिकेटेड लेकिन ये कह रहा है कि ये इमेज जो है ना हमें और भी ज़्यादा डिस्टर्ब तब करती है जो डोमेस्टिकेटेड होक होते हैं अब डोमेस्टिकेटेड का मतलब यहाँ पे पालतू है यानी जिन बाजों को पाला जाता है अभी जो वाइल्ड हैं या खुले में जो रहते हैं घूमते हैं जिनको कोई पाल नहीं रहा है वो तो जो है ठीक है भाई उनको तो अपना पेट भरना है कैसे भी करके भरेंगे तो उनका तो नेचर है लेकिन जो डोमेस्टिक हॉक हैं यानी जिनको लोग पालते हैं वो तो उनको कुछ और खाना भी दे सकते हैं या कुछ और भी उनके लिए प्रबंध कर सकते हैं लेकिन जो है फॉल अंडर द मैन शेडो मतलब जो आदमी की छाया में आ जाते हैं इज अ मॉन्स्टर वो एक टाइप के मॉन्स्टर हो जाते हैं क्रिएटेड बाई मैन सोलोली फॉर हिज ओन पर्पज़ वो इसीलिए होते हैं वो सिर्फ भाई जो वाइल्ड होता है वो तो इसलिए होता है उसको कोई खाना नहीं मिल रहा लेकिन जो डोमेस्टिक होते हैं भाई पाला है तो आप इसका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे लेकिन जो हम आदमी उसके साथ ऐसा ट्रीट करते हैं कि उसके अंदर जो वॉयलेंस वॉयलेंस है अपने आप आ जाती है तो वो जो है अपने पर्पज के लिए उसका यूज करते हैं आदमी जो है उसको ट्रेंड करते हैं अब है द टेम वन इज वर्स फॉर ही इज ट्रस्ट बाय ये इस पोएम की कुछ लाइनें हैं गाइज ये जो ऊपर बोला है या जो इसका थीम बताने की कोशिश की है ये जो है उनका ये कह सकते हो आप लाइने हैं उस पोएम की लाइने हैं द टेम वन इज वर्स फॉर ही इज ट्रस्ड बाय ए मैन ये कह रहा है कि द टेम टेम्ड का मतलब वही होता है पालतू ये कह रहा है कि जो पालतू होता है ना वो ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि वो जो है उसको आदमी ने टच किया होता है यानी आदमी जो है सबसे ज़्यादा वायलेंट जो है क्रिएचर हॉकिंग इज टर्न टू अ रिचुअल द प्रिडेटर्स पैशन होंड टू एन आर्ट तो ये कह रहा है कि हॉकिंग टर्न टू अ रिचुअल हॉकिंग करना हॉकिंग करना यानी बाज को लड़ाना सुना होगा ना आपने तो ये गेम है एक रिचुअल बना दिया है यानी जो लोग इनको पालते हैं या जो भी करते हैं और प्रेडिडेटर्स पैशन होन्ड एन आर्ट और इसको एक कला का नाम दे दिया गया अब यहाँ पे जो है गाइस वो तैयार कैसे करते हैं आई थिंक देखते हैं इसके अंदर है या नहीं है नहीं तो मैं वैसे बताती हूं ये जो लाइनें हैं वो बिल्कुल पोइट्री से उठाई गई हैं एक्चुअल में क्या होता है गाइस हा मैन इज शोन टू बी क्रुअलर देन द होक फॉर बाय नेचर अ होक इज अ प्रीडेटर दैट मस्ट कील टू ईट बट मैन मेक्स द होक विल कील फॉर हिज ओन प्लेजर एंड डाइवर्जन विच इज अ अजन ऑफ वट द होक मस्ट डू तो यहाँ पे कह रहा है कि जो आदमी है वो ज़्यादा क्रूअल है हॉक की बजाय तो आदमी ज़्यादा क्रूअल है अब जो एक हॉक है वो किसी दूसरे जीव को इसलिए मारता है क्योंकि उसको तो खाना खाना है लेकिन जो आदमी है उस होक को जो है इतना क्रूअल बना देता है वो सिर्फ किसके लिए वो प्लेजर के लिए वो इसलिए बनाता है क्योंकि उसको खुशी मिलती है वो गेम खेलता है एक किस्म से एंड दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ इट और यहीं ये ख़त्म नहीं हो जाता है ए कैप्चर्ड होक इज़ एट फर्स्ट ब्लाइंडेड ये कह रहा है कि जो कैप्चर्ड होक होता है यानी जो उस गेम में जो पकड़ा जाता है हॉक वो जो है उसको पहले तो ब्लाइंड किया जाता है इट्स आइज आर श्वेन अप उसकी आंखों को सिया जाता है एंड बिट बाय बिट द स्टीचिज आर रिमूवड और एक एक करके जो है काट काट के उसकी जो है स्टीचिज को फिर खोला जाता है यानी उसके साथ जो हॉक है उसके साथ इतना टॉर्चर किया जाता है तो ये टॉर्चर ये पेन ये जो है कौन सिखाता है आदमी ही सिखाता है द पेन एंड सच ड ट्रीटमेंट आर इनफ टू मेक ए डेविल ऑफ ए सेंट तो ये कह रहा है कि अगर किसी के साथ भी इतना टॉर्चर हो जाए तो वो जो है किसी भी साधु को जो है डेविल बना सकता है तो यानी उसके अंदर दया कैसे बचेगी जब उस वो खुद इस टॉर्चर से गुजरा है सो इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट द हॉक वैन अलाउड टू हॉन्ट टेक आउट ऑल इट्स हेट ऑन इट्स प्रे एंड शोज नो मर्सी तो इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि होक जब को जब शिकार के लिए अलाउ किया जाता है तो वो जो है अपनी हेट उस प्रे पे यानी अपने शिकार पे दिखाता है और किसी तरह की मर्सी नहीं दिखाता क्योंकि आदमी उसको ट्रेंड इस तरीके से करते हैं दस द डोमेस्टिकेटेड हॉक इज इवन मोर फॉर्मिडेबल दैट वन फ्रॉम द वाइल्ड तो ये कह रहा है कि जो पालतू होते हैं हो, वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं जो वाइल्ड की बजाय क्योंकि वाइल्ड तो क्या होता है गाइस उसको किसी ने इतना टॉर्चर नहीं किया होता वो खाने के लिए ऐसा करता है और इसको जो है खेल के लिए करते हैं, कंपटीशन के लिए करते हैं तो ये पहले खुद उस टॉर्चर से खुद गुजरा हुआ होता है अब है द थर्ड स्टेंज इज हॉन्टिंग डिपिक्शन ऑफ अ हंटवेयर मदर हॉक टीचेस हर सन टू हंट दे चेज आफ्टर हेयर एंड सिंस दे कैन नॉट किल इट एट वंस देस स्व डाउन रिपीटेडली टीयरिंग इट्स फ्लैश और नेक्स्ट टेंजर के अंदर जो है क्या होता है कि होंटिंग सिखा रही है होन्टिंग का डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि एक मदर हॉक जो है वो अपने बच्चे को कैसे सिखाती है वो एक हेयर के पीछे भाग रहे हैं उसका पीछा कर रहे हैं और वो उसको जो है एकदम से नहीं मारते हैं बल्कि जो है उसको जपटते हैं सूप डाउन का मीनिंग होता है जपटना और वो जो है उसको रिपीटेडली यानी बार बार उसको जो है उसके फ्लैश को टीयर करते फाड़ते हैं इन द फोर्थ स्टैंड वी हैव दोमेस्टिक डोमेस्टिकेटेड हॉक स्पीकिंग आउट इट इज अगेन ए फर्स्ट पर्सन परस्पेक्टिव बट इट इज द होक एंड वट इज मोर टेरेबल इज दैट मैनी ह्यूमन्स टू हैव द सेम एजेंडा द होक चार्स आउट अब इसके अंदर जो एक्चुअल जो थीम लिया गया वो उसकी बात कर लेते गाइस ये कह रहे हैं कि जो आदमी है वो भी किसी होक से कम नहीं है अगर आप सोसाइटी में देखें तो आदमी जो है ज्यादा खतरनाक है इन जानवर की बजाय चाहे वो होक हुआ चाहे कोई और हुआ यहाँ पे जो है जो हमेशा अब उसको जरूरत भी नहीं है यानी होक हुआ शेर हुआ वो क्या करते हैं गाइस वो तो अपने पेट भरने के लिए शिकार करते हैं वो इतने क्रुएल इस वजह से लेकिन ह्यूमन बींग को क्या पड़ी है कि इतना क्रुएलिटी दिखाने के लिए लेकिन वो भी जो है क्रुएलिटी दिखाते हैं हमेशा जो है जो स्ट्रॉन्ग है वो वीक को इसी तरह से फाड़ता है इसी तरह से काटता है इसी तरह से मारता है जैसे होक जो है अपने शिकार को करता है तो इसके अंदर जो है ये थीम ही दिया गया डज दिस मीन सिविलाइज एंड डोमेस्टिकेटेड मैन इज द वर्स्ट ऑफ ऑल प्रीडेटर्स तो यहाँ पे जो ये है ये लाइनें भी आपकी पोइम से ही उठाई हैं दे कांट किल हिम इन वन ही बट इस टाइम ही टैलें काट अवे ए पैच ऑफ राइट फर ही डिमिनिश वन टैलेंट मोर्सल एट ए टाइम ये जो है पोइट्री की लाइनें हैं गाइज अब है एपिल एपिल ये क्या होता है आप मुझसे ये भी बताएंगे फिर हम इसकी पोइट्री को ये भी इनकी पोएम है और ये भी एक अच्छी ही है तो आप इसका मीनिंग बताइए मुझे फटाफट क्या होता है एपिल पैटिक फिर इसको आगे बढ़ाते हैं फिर ओवरऑल एक बार स्टोरी ले लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे हम तो फटाफट से इसका मुझे मीनिंग बताएंगे आप नमस्कार संजीव नो no आइडिया ये भी अच्छा है निधि <laughs> निधि ने भी नीतू का भी यही है नो no आइडिया कोई और किसी को आइडिया हो चलिए ये होता है मिर्गी जिसको कहते हैं एक टाइप की बीमारी जिसमें मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो वो होता है ये तो यहाँ पे जो है इसका जो थीम है गाइस वो ये है कि एक लेडी है और उसका हस्बैंड है उसका बच्चा है एक जो है उसके बच्चा पेट में है वो कहीं आउटिंग पे जाते घूमने जा रहे हैं तो उनको जो है वो मिर्गी का दौरा पड़ जाता है उस लेडी को तो वो जो है उसका सीन दिखाया गया है कि कैसे जो है मतलब फियर है और जो है लोगों की केयरलेसनेस है हालांकि कुछ हेल्प के लिए आते हैं कुछ लोग जैसे आपने देखा होगा नहीं डि, डि, डिटेल में रीड डि तो मैं कर रही हूँ गाइज आपको तो खाली फिलहाल सुनना है फिर एक थीम ले लेना है और कुछ नहीं लेना ये रीड तो डिटेल में मैं कर रही हूँ जो करनी होती है मैं कर रही हूँ आपको खाली सुनना होता है और क्या होता है कि कई बार इनमें से कॉम्प्रिहशन बन जाता है तो कॉम्प्रिहेंशन अगर आपको स्टोरी पता है तो आप कॉम्प्रिहशन को सोल्व कर जाएंगे और इनका थीम वगैरह पूछ लिया जाता है तो देखो ये तो आपको अब आप क्वेश्चन के जो है फॉर्मेट पता चल गया होगा कि किस किस टाइप के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसके अंदर जो है जो उस लेडी के साथ जैसे आजकल हम करते हैं हाँ अनकॉन्शियस हो जाती है वो तो जैसे आप देखो आजकल कोई ट्रेस्टी हो जाए ना लोग उसको संभालते नहीं है वीडियो बनाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वीडियो बना दें उसका चाहे मर रहा हो तो लेकिन वीडियो बनाने पर ज़्यादा जोर होता है हाँ मिर्गी ही होती है मिर्गी टाइप क्या मनोज मिर्गी के दौरे पड़ना ही होता है तो यहाँ पे वही है उसी के बारे में दिखाया गया है फिर वो किसी तरह से हस्बैंड अपनी वाइफ़ को डॉक्टर के पास लेके जाता कुछ लोग हेल्प भी करते हैं और वो जो है कितना जो है क्या फील करता है वो आदमी वो कैसे सफ़र करता है फिर डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर भी जो है कैसे उनको ट्रीट करता है यानी कि वो मेंटल डिस्टरबेंस वो दिखाई गई है वो लेडी जो है उसको लगता है कि मेरी सारी दुनिया के सामने बेजती हो गई तो वो जो है उन दोन उन दो हस्बैंड वाइफ की दोनों की एक किस्म से मेंटल पेन को दिखाया गया है इसके अंदर तो आप ये देखिए कि इनके अंदर जो है मोटा मोटा पढ़ देते हैं इसमें कोई तो गई इसके अंदर क्या होता है आपको जैसे आपने पूछा तो कोई डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बस एक आइडिया लो इनसे द पॉइम इन वोज द फैमिली आउटिंग ये कह रहा है कि फैमिली पोइम के अंदर जो है फैमिली आउटिंग होती है यानी फैमिली बाहर घूमने गई है फैमिली ऑफ फोर गोज आउट ऑन रिक्शा चार हैं फैमिली में और रिक्शा में गए हैं टू चिल्ड्रन हस्बैंड एंड वाइफ विद अ चाइल्ड इन हिज होम और एक बच्चा है और एक बच्चा जो है गर्भ में है ऑन द वे द वमेन इज सडनली अफेक्टेड बाई फिट्स और एक अचानक से जो है उसको कुछ होता है थोड़ा सा जो है नहीं मैं बोल रही हूँ मनोज दिखाई दे रहे मुझे बिल्कुल आपके मैं आपने कौन अनकॉन्शियस कहा तभी मैंने कहा और मिर्गी बोला तो मैंने बोला आपका बिल्कुल मैसेज दिखाई दे रहे हैं ऑन द वे द वुमेन इज सडनली अफेक्टेड बाय फिट्स हर बॉडी शेयर्स उसकी जो बॉडी है वो कांपने लग जाती है शी लूजिस हर अनकशियसनेस और वो अपना जो है होश खो बैठती है बेहोश हो जाती है गुड इवनिंग सोनिया वेरी गुड इवनिंग ओके शी द चिल्ड्रन देखो गाइस पता बिल्कुल होगा जरूर लेकिन कई बार क्या होता है कि सारी चीजें याद नहीं रहती हैं और जो आपको याद है ऑलरेडी अगर आपके माइंड से निकल भी गई है वो चीजें तो ये जो है एक रिविजन ही है तो ये कह रहा है चिल्ड्रन मूव अवे रेपिडली फ्रॉम हर और बच्चे उससे जो बच्चे हैं उसे दूर भाग जाते हैं पीपल रश फॉर हेल्प लोग जो हेल्प के लिए आते हैं द पोईम इन्वोल्व अ माइनर इंसिडेंट बट इट कन्वेज मोर ऑन द साइकी ऑफ द हजबैंड मतलब ऐसे तो माइनर सा इंसिडेंट है ये लेकिन जो है हस्बैंड जो है उसकी साइकिल को दिखाया गया उसके ऊपर मतलब मेंटली कैसे प्रेशर में आता है मोर ओवर इट ऑल्सो ब्रिंग आउट द वायलेंस इन इट्स क्रूड फॉर्म और ये वोलेंस के एक क्रूड फॉर्म है यानी आप गए थे घूमने और हो जाता कुछ और इन दिस पोइम द वायलेंस वर्क एट ए वेरियस लेवल इसके अंदर जो पोइम के अंदर जो वोलेंस है वो कई लेवल पे होती है वोलेंस इज साइकोलॉजिकल सोशोलॉजिकल फिजिकल इंडिविजुअल एंड एंडसिकल तो यहाँ पे ये यह कह रहा है कि मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो दुनिया के सामने हो रही है गाइस मतलब वो अपने आप में फील करते हैं सेम फील करते हैं कि ये क्या हुआ सोशोलॉजिकल इसलिए बोला है यहाँ पे फिजिकल तो है ही अब वो फिजिकल तो प्रॉब्लम आई ही है और इंडिविजुअल और लेक्सिकल लेक्सिकल वैसे तो ये होता है कि वर्ड होता है लेकिन वो जो है कोई अच्छा भी बोल रहा होगा कोई बुरा भी बोल रहा होगा आपने देखा होगा हर चीज़ के दो पहलू होते हैं कोई ये कह देते किसी को पब्लिकली कुछ हो जाए तो यूँ यूं भी कह देते कि जब पता था ऐसा होता तो क्यों आए तो हर तरह के लोग तो वो जो है इस तरह का पेन इस तरह की वोलेंस सेंस सहन करते हैं द वाइफ अंडर गोस मोर फिजिकल ट्रोमा और वाइफ भी जो है बहुत ज्यादा ट्रोमा में पहुंच जाती है फिजिकल ट्रोमा यानी कि उनकी हालत जो है बहुत खराब हो जाती है शी फेसिस एम्बेरसमेंट इन पब्लिक और उसको जो पब्लिक की तरफ से या पब्लिक में उसको एम्बेसमेंट हुआ हो वो उसको फील करती है हर प्राइवेसी इज़ ऑल्सो इन्वेडिड इन द पब्लिक और उसकी प्राइवेसी भी खत्म हो जाती है यानी अगर उसको लगता है कि भाई किसी को मुझे ये प्रॉब्लम है और वो दुनिया के सामने आ जाए तो एक टाइप की उसकी प्राइवेसी भी ख़त्म हो जाती है द वनेस अफेक्ट द साइकी ऑफ द फैमिली और जो इस तरह की जो टॉर्चर है उनको फील होता है वो उससे जो है पूरे परिवार की साइकी पे जो है इफेक्ट पड़ता है फाइनली आफ्टर गेनिंग रिगेनिंग हर अवेयरनेस दाइफ स्ट्रोइ मोर एविडेंट एज हर फीचर्स अंडर गो अ सडन चेंज एक्सप्रेसिंग अंस ऑफ एक्सट्राऑर्डनरी डिसअपॉइंटमेंट और जब उसको होश आता है और ये सब पता चलता है तो वो और भी ज़्यादा जो है डिसअपॉइंट हो जाती है हर रिएक्शन इज प्रेजेंटेड थ्रू द रिएक्शन ऑफ हर हस्बेंड और वो जो है उसके अपने रिएक्शन को अपने हसबेंड के रिएक्शन के थ्रू ही समझती है यानी दोनों की एक ही हालत है अब इसके अंदर पूरा यही है कि वो जो है फिर बाद में डॉक्टर बताता है कि तरह तरह के जो है मेडिकल ट्रिम्योनोलॉजी का यूज़ करता है इसको ये हुआ है वो हुआ है तो जो उसको एक हरेसमेंट होता है तो वो बताया है इसके अंदर तो आई थिंक ये लास्ट था हमारा तो गाइज ये था हमारा के एन दारू वाला तो ये आज हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ आई होप कि आपको समझ में आया होगा और कोई हेल्प भी मिलेगी आपकी स्टडी के अंदर गाइस क्या आप जो है के का पेपर दे रहे हो आप में से कौन कौन जो है केवीएस का पेपर दे रहे हो तो मेरा टॉपिक खत्म हो गया एक दो सेकंड के लिए हम बात कर सकते हैं उसके बाद हम क्लास को ऑफ करेंगे गाइस तो निधि दे रही हैं आप और कोई आप में से दे रहा है एग्जाम केवीएस का अच्छा विजेता भी दे रही है चलो जी तो सोनिया भी दे रही चलो अच्छी बात है बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और गाइस फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे हमारे जो इंडियन लिटरेचर में इंडियन राइटिंग जो हमारी चल रही है उसके अंदर जो है अब एक दो ही और रहता है टीजीटी के लिए दे रहे हो ठीक बात है अच्छा है तो एक दो राइटर ही और रहते होंगे तो मिलते हैं गाइस कल ओके okay, आप डी एस एस बी के लिए संजीव सुचेत जो प्रिपेयरिंग फॉर डी एस एस बी स्क्रीनिंग चलो अच्छा जो मौके हैं आपको सारे ही लेने चाहिए अच्छी बात है टी जी टी पी जी टी के लिए संजीव ठीक है जी तो गाइस मिलते हैं फिर कल सात बजे किसी दूसरे राइटर के साथ तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग Thank you, thank you, Ashwini. Thank you, Vijeta.